अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड योर इंस्ट्रक्टर सारा कमर सिद्दीकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी किसी भी काम को शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेना चाहिए ताकि उस काम में कामयाबी हो हमें। अच्छा, हम अपना आज से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ये अच्छा कोर्स हम बेसिक से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह इसको हम एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। इस कोर्स में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्हाट इज कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वो टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो डिजिट्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो पिक्चर में इंफॉर्मेशन हो सकती है। वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसके बाद जो रिजल्ट हमें दिखाता है वो हमारा, वो जो चीज होती है, वो जो प्रोडक्ट होती है, वो जो आउटपुट होती है, बेसिकली वो हमारी नीड होती है। हम कंप्यूटर को, कंप्यूटर के अंदर हमारी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, जो कि वो एक और बहुत वास्ट टॉपिक है उसको भी मैं कभी किसी वक्त में कवर करूंगी कि कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग किस तरह से होती है। वो एक बिल्कुल एक अलग कोर्स हो जाएगा हमारा, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट सम इंफॉर्मेशन, वो डिजिटल भी हो सकता है, और उसको वो मैनिपुलेट करता है, और फिर जब वो रिजल्ट्स दिखाता है वो बेस्ड होते हैं प्रोग्राम्स पर, सॉफ्टवेयर पर, या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर, कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेस में आते हैं तो उसके बाद हमारा रिजल्ट शो होता है। कंप्यूटर की सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो है वो कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर नस्लों से इस्तेमाल होता है। कैलकुलेटर में बटन्स होते हैं, उन बटन्स के पीछे फंक्शंस होते हैं। वो जब बटन्स प्रेस किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 2 + 3 करना है, ऑब्वियसली 2 + 3 करने के बाद हमने उसका रिजल्ट भी तो लेना है। हमें सिर्फ 2 + 3 की इंस्ट्रक्शंस देने का तो कोई फायदा नहीं है ना कैलकुलेटर को, हमने ये भी तो जानना है ना कि 2 + 3 आखिर रिजल्ट क्या देगा। तो जो बेसिकली हमने उस कैलकुलेटर को, या कहना चाहिए उस मिनी कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शंस दी कि एक 2 है, एक 3 है, प्लस का ऑपरेशन उस पर अप्लाई करो और हमें 2 रिजल्ट की क्या रिजल्ट। तो जो 5 का रिजल्ट हमें मिलेगा बेसिकली वो हमारा हमारी आउटपुट होगी। जब हम आगे चलते हैं कि कंप्यूटर में की 2 मेन चीजें होती हैं, एक कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। ये टर्म्स आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें इनके बारे में डिफरेंस नहीं पता होता, और एक्चुअली पता भी नहीं होता कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। मैं पहले आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली हर हर वो चीज़ होती है। हार्डवेयर बेसिकली हर वो चीज़ होती है जिसे आप टच कर सकते हैं, जो फिजिकली आपके सामने मौजूद है। ठीक है, उसमें आपका मॉनिटर की स्क्रीन आ जाती है, आपका कीबोर्ड आ जाता है, और आपके माउस है, अगर आपके पास प्रिंटर है, स्कैनर है, तो ये सारी कंप्यूटर हार्डवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर में भी बेसिकली ये होता है कि कुछ कंप्यूटर की इंटरनल हार्डवेयर है, कुछ कंप्यूटर की एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में तो फिर मैंने बताया कि माउस है, कीबोर्ड है। जो इंटरनल हार्डवेयर है वो है आपका ग्राफिक कार्ड, वो है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, और इसके अलावा आपके मदरबोर्ड। तो ये बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर है। अब ये कुछ टाइप्स हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की जो मैंने पहले भी आपको बता दी हैं, लेकिन ये पिक्चर के थ्रू आपको दिखाना चाह रही थी। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को देते हैं, और वो जिस फॉर्म में हमें शो हो रहा होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। अब आजकल जिस तरह से स्मार्टफोन्स हर एक के पास हैं,
आप अपने स्मार्टफोन में कहते हैं कि जी मैंने व्हाट्सएप की ऐप डाउनलोड कर ली है, मैंने जूम की ऐप डाउनलोड कर ली है, मैंने पिक्चर एडिटिंग की ऐप डाउनलोड कर ली है। तो ऐप बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर बेसिकली वो एप्लीकेशन होती है जो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ रही होती है, क्योंकि वो स्क्रीन के अंदर होती है, हम उसे छू नहीं सकते, वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, वो सॉफ्ट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है, सॉफ्ट फॉर्म ऑफ डेटा है। लेकिन और आपने एक टर्म ये भी सुनी होगी कि हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारा टैक्स का डॉक्यूमेंट है, कोई मतलब हमारी मार्कशीट है, हमारा रिजल्ट कार्ड है, या हमारी कोई मेडिकल की रिपोर्ट है, जब तक वो कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ रही है वो सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन जब आप प्रिंटर से उसे किसी पेपर पे प्रिंट करके हाथ में पकड़ लेते हैं तो उसे कहते हैं हार्ड कॉपी ऑफ डेट। ठीक है, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बेसिकली मैं इसकी जो सामने स्क्रीन पर डेफिनेशन नजर आ रही है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, वो मैं आपको एक दफा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये मैंने आपको बता दिया, डेटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स। अब एप्लीकेशंस जो हैं वो कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब हमने, जैसे कि मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की जूम की, इसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये मैं कंप्यूटर को ऑपरेट ही कर रही हूँ और इसके थ्रू मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। अब मैं एक स्पेसिफिक टास्क कर रही हूँ कि मैंने एक प्रोग्राम जो है उसे किया अपने कंप्यूटर में, इंस्टॉल किया, और उससे मैं स्पेसिफिकली आपको पढ़ाने के लिए एक काम सर अंजाम दे रही हूँ। ठीक है, इट इज द ऑपोजिट ऑफ हार्डवेयर। मैंने अभी आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी से बताया कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर से ऑपोजिट, इट डिस्क्राइब्स द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर इज अ जेनेरिक टर्म यूज टू रेफर टू एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट एंड प्रोग्राम्स दैट रन ऑन अ डिवाइस। ये भी मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन हम डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद वो डिवाइस पर हमारे रन करते हैं, वो फिर कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें देते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ टाइप्स बता देती हूँ कि ये जिस तरह से ये आइकन्स, लोगोस कह रहे हैं आप कि ये नजर आ रहे हैं, ये सारी एप्लीकेशन यानी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। ये वर्ड का लोगो बना हुआ है, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये एंड्रॉयड का है, ये हमारे पास विंडोज है, ये हमारे पास फोटोशॉप है, ये गूगल मैप्स है, ये डिफरेंट गूगल अर्थ है, ये डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस हैं जो हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल्स में इंस्टॉल होती है, और उसके बाद हम अपने डिवाइसेस पर इनसे मुख्तलिफ किस्म के काम लेते हैं। अच्छा, अब जो हमारे फर्स्ट लेक्चर का आखिरी टॉपिक है वो है डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होती है, जो या हमारे लैपटॉप की स्क्रीन क्या होती है। हमारे डेस्कटॉप की जो इनिशियली हम लॉग इन करने के बाद जो हमारी स्क्रीन शो हो रही होती है वो क्या होती है, इसे कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, इसमें एक सबसे नीचे आप लोग देखें कि एक विंडो का छोटा सा लोगो बना हुआ है, इस पर आप जब लेकर आते हैं अपना पॉइंटर। ठीक है, मैं आपको अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाती हूँ, एक जी। अब ये जो मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन है वो कि इसमें बहुत सारे आइकन्स, बहुत सारे लोगोस हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप सिर्फ स्टार्ट के बटन को चेक करें। स्टार्ट, मैं इस पर अपना माउस पॉइंटर लेकर आई हूँ तो ये स्टार्ट लिखा हुआ आने लगा, जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो एक हमारे पास पूरा, मेरे पास एक स्टार्ट का मेन्यू खुल जाएगा। इससे हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल हुए हुए डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर को अप्रोच कर सकते हैं। फिर उसके साथ जो है वो सर्च का बटन है, यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करके, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा कंट्रोल पैनल, अगर मेरे पास सिर्फ कंट्रोल लिखा था तो कंट्रोल पैनल, तो ये हमने सर्च करके कुछ भी कंट्रोल पैनल को सर्च किया, भी हमने कोई भी फाइल भी कर सकते हैं, कोई फोल्डर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे जितने भी ये लोगोज नजर आ रहे हैं आपको, ये मेरे वो एप्लीकेशन हैं जो मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ, तो इसलिए वो मैंने यहाँ पर पिन किया।
इसके बाद आप राइट बॉटम में देखें तो आपको एक वाईफाई का कनेक्शन का साइन नजर आ रहा होगा, फिर उसके साथ बैटरी है, फिर वॉल्यूम है, इससे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के वॉल्यूम को हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये है लैंग्वेज बार, इसमें बाय डिफॉल्ट इंग्लिश जो है वो कीबोर्ड इंस्टॉल होता है आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में, ठीक है। लेकिन मैंने अपने लैपटॉप में उर्दू का कीबोर्ड भी इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अलावा आप अरेबिक का भी कर सकते हैं, आप पर्शियन का भी कर सकते हैं, आप फ्रेंच का भी कर सकते हैं, आप स्पेनिश का भी कर सकते हैं, अगर आप इन लैंग्वेजेस में काम करते हैं तो। इसके साथ आप ये देखें कि डेट है, डेट, डे एंड ईयर एंड टाइम आपका शो हो रहा है। ये यहाँ से हम अपना जो करंट चल रहा होता है, हम अपना पूरा कैलेंडर सेट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे ये शो एजेंडा आ रहा है, आप अपने नोट्स बना सकते हैं कि आपका आज का कोई इवेंट है, कोई किसी और डेट का इवेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 29th को अगर कोई भी इवेंट होता है और मैं यहाँ पे उसको ऐड कर देती हूँ तो वो इस क्लॉक के थ्रू वो मुझे इंडिकेशन देगा कि 29th थर्सडे को आपका इवेंट आ रहा है, आपका इवेंट आ रहा है, ठीक है। आप इसमें अपना अलार्म भी सेट कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली अपने मोबाइल से उन्हें सेट करते हैं। तो ये थी आज की माई क्लास, इसमें ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको आपसे डिस्कस करनी थी, आपको एक्सप्लेन करनी थी, और थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन था। हमारी क्लासेस इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को वर्क करेंगी। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो उसकी, तो मुझसे बिना झिझक पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।